हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सपा के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा धोखा। बेटे के सियासी सुर में पिता ने नहीं मिलाया सुर। अखिलेश का अपना राग, मुलायम की अपनी ढपली। एंटी टेरर बिल पर मुलायम ने एनडीए को दिया वोट। किसी ने क्या खूब कहा है, राजनीति में कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है। जो अपना है एक पल में पराया हो सकता है, और जो पराया है वो एक ही पल में अपना हो सकता है। मानकर चलिए राजनीति के रणनीति से निकली नीति बला की खुखार है, कुख्यात है और बेदर्द है। कम से कम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तो ऐसा कह ही सकते हैं। ना चाहते हुए उन्हें ऐसा कहना ही पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश के पिता, सपा के पितामा, जिन पर सपा के संरक्षण की जिम्मेदारी थी, अखिलेश ने उन्हें संरक्षक की भूमिका जो दी थी, दुनिया के लिए तो वो उसी जिम्मेदारी की कसौटी पर खड़े नहीं उतर पाए। अखिलेश, जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा कि उनके ही पिता वक्त पड़ने पर विरोधियों के खिलाफ न जाकर उनका साथ दे देंगे, पिता मुलायम ने बेटे अखिलेश के बजाय उन्हें सम्मान देने वाले मोदी और शाह को चुना। दरअसल लोकसभा में आतंकवाद पर लगाम कसने वाले बिल पर वोटिंग के दौरान सपा ने विपक्ष के साथ वॉकआउट किया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने रणनीति को कच्चा दे दिया। वो सदन में बने रहे और मतदान के दौरान द अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल के पक्ष में वोट दिया। आपको बता दें कि लोकसभा में इस बिल को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस ने बिल के विरोध में लोकसभा से वॉकआउट किया। सदन से निकलने वाले दलों में एसपी भी शामिल थी, लेकिन पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनके ही पिता मुलायम सिंह ने करारा झटका दे दिया। बिल के समर्थन में यूं तो मुलायम के वोट की गिनती महज एक की है, लेकिन सपा के आंतरिक समीकरणों के लिहाज से ये बड़ी चिंता की बात है। पार्टी लाइन के विपरीत मुलायम सिंह का रवैया बताता है कि समाजवादी पार्टी में शायद सब कुछ ठीक नहीं है। क्या सचमुच सपा में सब कुछ ठीक नहीं है? आखिर मुलायम ने बेटे अखिलेश के विपरीत जाकर पार्टी लाइन से अलग हटकर खुद को ही पार्टी मानकर एंटी टेरर बिल पर एनडीए के पक्ष में वोट क्यों कर दिया? ये सोचने वाली बात है। राजनीति की घड़ी की सुइयां जब आगे बढ़ेंगी तो शायद इस बात का खुलासा होगा। वैसे आपको जानने के लिए ये बता दें कि इससे पहले भी लोकसभा में मुलायम सिंह यादव ने यह कहकर सपा को पशुपेश में डाल दिया था कि विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता।